आज डिनर में कुछ लाइट खाने का मन था, तो मैंने सोचा वेज क्लियर डिटॉक्स सूप बनाऊं, जो वेट लॉस में और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां और फाइबर के लिए मैंने वेजिटेबल्स और ओट्स को इंक्लूड किया है। सो एक पैन लिया है, आधा चम्मच देसी घी इंक्लूड किया है, एक चम्मच ओट्स उसमें ऐड किए हैं, देन खूब सारी वेजिटेबल्स, टमाटो, मशरूम, ऑनियन, बीन्स, कैप्सिकम, गोभी, टमाटर, जो भी सब्जियाँ आपके घर पर सीजनल अवेलेबल होना, तो बिलीव मी आप वो सारी सब्जियाँ उसमें ऐड करना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा और टेस्टी आता है। कोई भी सॉसेस हम एक्स्ट्रा से ऐड नहीं करेंगे, नेचुरल फ्लेवर लेंगे, क्योंकि इस सूप का नाम ही डिटॉक्स सूप है। जैसे ही वेजिटेबल्स आपकी हल्की सी कुक हो जाएंगी, देन उसमें ऐड करेंगे वाटर। अप्रॉक्स एक कटोरी के आसपास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, वन बिग कटोरी जो होती है वो। देन उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे एंड उसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच के आसपास, जो घर पे मैंने फ्रेश बनाया है। देन उसके बाद उसमें खूब सारा धनिया आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास स्पिनच है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, पालक के पत्तों का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खूब सारे धनिया और जो कोरिएंडर स्टिक्स होती हैं वो भी आपको फेंकनी नहीं है, वो भी इसमें ऐड करनी है, उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़े से सेसमी सीड्स जो होते हैं, तिल जो होते हैं, वो ज़रूर इंक्लूड करना, वो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्पेशली जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, उन लोगों को तो ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। सो हमारा वेज क्लियर ओट सूप रेडी हो चुका है, डिटॉक्स सूप है, वेट लॉस में हेल्प करेगा, आप इसको डिनर में ले सकते हो। और डिनर में कुछ हैवी खाने का मन नहीं जब हो ना आपका, तो जब मेरा ये कुछ हैवी खाने का मन ना हो तो मैं ये ले लेती हूँ। मस्ट ट्राई।